पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर मोदी कैबिनेट का बदला हुआ नया चेहरा सबके सामने आ जाएगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने 8 जुलाई तक की पहले से निर्धारित सभी बैठकों को टाल दिया है। साथ ही मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले सभी संभावित मंत्रियों को दिल्ली आमंत्रित किया गया। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के आवास पर होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होने वाले थे। इससे पहले भी पीएम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के और शाह समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मिल चुके हैं। साल 2019 में सत्ता में आने के बाद से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हुआ। एनडीए से अकाली दल के अलग हो जाने के बाद मोदी सरकार में रामदास अठावले को छोड़ सिर्फ बीजेपी के ही मंत्री हैं। मार्च 2019 में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अपने खाते में ज्यादा से ज्यादा वोट पाने की कोशिश में है। केंद्रीय और राज्य कैबिनेट से गायब रही कई जाति और समूहों पर ध्यान दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस विस्तार में आगामी विधानसभा चुनावों का असर भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल को जगह मिल सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कुछ बीजेपी सांसदों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इस दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके मंत्रियों के हटने समेत कई विभाग भी बदले जा सकते हैं। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की है। इस बैठक में मंत्री परिषद विस्तार से जुड़े ब्यौरे को अंतिम रूप देने से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही मंत्री परिषद में फेरबदल की प्रबल संभावना के बीच शाह और संतोष ने प्रधानमंत्री के निवास पर उनके साथ कई घंटों तक चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण बुधवार तक हो सकता है। बहरहाल इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर प्रधानमंत्री फेरबदल करते हैं तो मई 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी पारी शुरू करने के बाद मंत्रिपरिषद का ये पहला विस्तार होगा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे और सुशील मोदी उन संभावित लोगों में शामिल माने जा रहे हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। लेकिन अपने हर मंत्रिमंडल विस्तार में सबको चौंकाने वाले पीएम मोदी इस बार भी कुछ ऐसा ही करेंगे, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो फेरबदल में सबको चौंका दे। इस फेरबदल में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो मिल सकती है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीतिक रूप से ये देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व भी इस विस्तार में बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी की सहयोगियों जदयू और अपना दल को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का पिछले साल निधन हो गया था और ऐसे में सबकी नजरें इस ओर हैं कि उनके भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया जाता है या नहीं।